दोस्तों, मैं बुद्धिविलास राय कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये जो हमारा इंजन ऑफ डाउन होता रहता है, तो दोस्तों इसके लिए आज हम आपको बताते हैं। तो इसके पहले आपको हम इंजन स्टार्ट करके दिखा दें कि इसमें क्या समस्या आ रही है। तो दोस्तों मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस नली में हमने चेक किया है, कहीं भी फटी भी नहीं है और कहीं यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, फटी नहीं है। तो दोस्तों फिर हम उसको इसका जो हमें पंप खोलना पड़ेगा, तो इसका पंप खोल के हम आपको बताते हैं फिर आगे क्या है। हो सकता है हमें दोस्तों इसका फिल्टर भी खोलना पड़े, तो जो भी करना होगा तो मैं आपको सबको बताता हूँ कि इसमें क्या। अगर हमारी पंप में कुछ समस्या नहीं है तो फिर हम इसको फिल्टर खोलेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इतना करके आपको पंप इसका खोल लेता हूँ, इसके बाद भी बताता हूँ। दोस्तों हमने इसकी नली खोल ली है और इसके बोल्ट भी खोल लिए हैं और दोस्तों इसका पंप भी निकालते हैं। चलिए दोस्तों इसका पंप निकाल के, ये रहा दोस्तों हमारा पंप, ये रहा पंप। और देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं इसको आपको, देखिए आप तीन है इसमें, इतनी डाला ज्यादा डाली नहीं जाती, पर मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे इसको सेट करना है, तीन डालना है कि चार डालना है या एक भी नहीं डालनी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसका हम, इसके बाद इसका फिल्टर खोल लेंगे, क्या है कि अपने अंदर कोई शंका ना रहे। एक समस्या तो दोस्तों ये निकली है, ये हमारी पंप की ठोकर ज़्यादा है, तो इनको हम यहीं रख देते हैं और इसका फिल्टर खोल के आपको बताते हैं और फिल्टर भी खोल के दिखाते हैं कि फ़िल्टर की पोजीशन कैसी है। क्या है कि अगर मिस फायर करता है दोस्तों कभी कभी, तो फिल्टर में हमारा जो फिल्टर है वो ख़राब हो जाता है और तेल सही शॉट पाता नहीं और इसीलिए हमारा मिस फायर करने लगता है। तो चलिए दोस्तों मैं इसका फिल्टर भी खोल देता हूँ दोनों नट और इसको निकालता हूँ, इसके बाद इसकी पोजीशन दिखाता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या है। खोल ली है इसके, देखिए दोस्तों इसमें हमारा तेल जो है काफ़ी है, बस इसमें तेल आ नहीं रहा उतना जितना आना चाहिए हमारा। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ ठंड के कारण थोड़ा सा, ये देखिए दोस्तों इतना तेल आ रहा है, बल्कि इसको अब हम अगर बात करें तेल की, तो दोस्तों हमारा तेल इसमें आपको टंकी दिखाते हैं, रहने दो मैं बंद करता हूँ। देखिए दोस्तों कितना तेल आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए दोस्तों। तो इसका हमें कंफर्म पता हो चुका है कि इसका फिल्टर ख़राब हो चुका है, तो दोस्तों हम इसका फिल्टर भी खोल के आपको बताते हैं, दिखाते हैं क्या पोजीशन है फिल्टर की। दोस्तों हमने इसका फिल्टर निकाल लिया है, आप इसमें एक समस्या देखिए दोस्तों, ये इसका छेद जो है ये यहाँ से बंद समझ में आ रहा है, ये देखिए दोस्तों ये जो रबर होती है ये आगे आ गई है, तो इसका जो छेद है ये जो बंद हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो ये समस्या है, तो इसको चलिए खोल लेते हैं, इसमें देखते हैं कि फ़िल्टर की पोजीशन हमारी क्या है। आप देख सकते हैं तो हमने इसका नट निकाल लिया है दोस्तों, तो बस इसका खोलना बाकी है। ये दोस्तों थोड़ा सा टाइट है, दोस्तों आप देख सकते हैं इसका फ़िल्टर जो है हमारा, ये इसका पोजीशन फ़िल्टर की बहुत अच्छी है, ये देखिए दोस्तों फ़िल्टर हमारा ख़राब नहीं था, बस समस्या वही थी जो हमने आपको दिखाई थी। तो दोस्तों ये इसकी, इसके बाद हम इसका फ़िल्टर लगा देते हैं और इसके बाद इंजन को, इंजन की पंप की सेटिंग आपको बताते हैं कि कैसे करना। दोस्तों देखिए इसमें, इसमें लगभग गैप हमारा आ रहा है, लगभग 5 सीमों का, देखिए दबाइए इसको, 5 सीमों का आ रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा, इसमें हमें ज़्यादा, 5 है तो ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसमें 2 सीमें डाल देंगे। दोस्तों हम ये 2 सीम डालते हैं और आपको दिखाते हैं। क्या है दोस्तों कि इसमें ज़्यादा गैप है तो ज़्यादा ठोकर हो जाएगी, ज़्यादा तेल की सप्लाई देगा, तो हमने इन 200 वाशरों का
आप देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कितने सी में गैप है इसमें, फिर अब फिर इसके बाद फिर सेटिंग बनाते हैं इसकी। आप देखिए दोस्तों, ये हमारी जो दब रही है, अब पंप जो दब रहा है इसमें लगभग, हाँ इतना गैप दोस्तों सब इंजनों में रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लगभग अभी भी लगभग 3 से 4 सीमों का है, तो हम इतना रख देंगे क्योंकि हमारा प्लंजर पुराना है। अगर आपका दोस्तों नया प्लंजर है तो आप इसमें 2 सीम के लगभग एक या दो सीम रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक डालिए या दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब पंप की स्प्रिंग हमारी लगभग 2 सीमों की इतनी दबनी चाहिए, तो हमारी ये 4 सीमों की इतना दब रहा है, तो 2 सीमें आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें 2 ही डालता हूँ और इसको अच्छे से टाइट करता हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों क्या होता है कि इंजन का मेन पार्ट यही पंप की सेटिंग वाली होती है, तो आप पंप की सेटिंग का जो ये है इसको ध्यान से देखिए, नहीं आप परेशान हो सकते हैं। और दोस्तों वीडियो लंबा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप सही समझ तो जाओगे। और दोस्तों ये सीमें हमें, ये जो हमारे नीचे हमने देखा आपने कि वाशर हमने 2 डाली हैं, तो 2 वाशरें क्यों डालनी पड़ती हैं, जो नीचे की हमारी वो है ये फ्यूल कैम वो कट जाती है, तो फ्यूल कैम कटने के कारण हमको इसमें वाशर सिम कुछ भी सिक्का वगैरह आप कुछ भी डाल सकते हैं। दोस्तों ये इंजन का मेन पार्ट है, इसको आप पूरा देखिए। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिए। घुमाओ भैया, घुमाओ तो इसे देखिए कितना तेल दिया था। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, और अब वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे बेल आइकन को दबा दें जिससे कि न्यू वीडियो की अपलोड आप तक पहुँच पाएगी। देखिए दोस्तों ये हमारी तेल की सप्लाई थोड़ा ज़्यादा है, हमारी बिल्कुल फिट है, तो हम इसके बाद इसको नली लगाते हैं और इसके बाद स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमने नली कस दी है, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। भैया स्टार्ट करा ले आ बताऊँ। हाँ दोस्तों इसके बाद स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले ये नट ढील कर लें, इसके बाद हम इसकी सेटिंग बताएंगे आपको। चलिए दोस्तों, अगर इस